यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। जम्मू कश्मीर में दो अलग अलग मुठभेड़ों के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। गुरुवार को कश्मीर घाटी के बारामूला और अनंतनाग में एनकाउंटर के दौरान 6 आतंकवादियों को मार गिराया गया। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। बारामूला जिले में सुबह से जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों के एक्शन से बौखलाए आतंकियों ने गुरुवार शाम को सेना के कैंप पर हमला कर दिया, जिसमें सेना के एक जवान शहीद हो गया। दक्षिणी कश्मीर में त्राल में सेना के कैंप पर हुए इस हमले में सेना के एक जवान शहीद हो गया और एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली। केंद्र सरकार द्वारा छुट्टी पर भेजे जाने और सीबीआई का काम किसी और अधिकारी को दिखाने को लेकर सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा द्वारा दी गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। हालांकि इस मामले में सुनवाई से पहले ही सीबीआई ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि आलोक वर्मा अभी भी सीबीआई डायरेक्टर हैं, जबकि राकेश अस्थाना स्पेशल डायरेक्टर। इन अस्तरों को हटाया नहीं गया, सिर्फ इन्हें जांच के अलग कर छुट्टी पर भेजा गया है। विपक्षी पार्टियां आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने का कड़ा विरोध कर रही हैं। वहीं सीबीआई मुख्यालय के बाहर आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रहा है। बीजेपी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राफेल विमान सौदे पर हर रोज एक नया झूठ बोल रहे हैं। वो भ्रम में हैं क्योंकि उनकी पार्टी प्रासंगिकता खो चुकी है। बीजेपी ने राहुल गांधी के उन आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें राहुल ने कहा है कि सरकार ने राफेल सौदे की जांच की संभावना के कारण सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को जबरदस्ती अनिश्चितकालीन छुट्टी पर भेजा है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस ने प्रसाद प्रासंगिक बने रहने की सभी उम्मीदों को खो दिया है और राहुल गांधी राफेल विमान सौदे पर हर रोज झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल भ्रम में हैं और भारतीय नागरिक उनकी तुलना से ज्यादा परिपक्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अक्टूबर को जापान की 2 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं और इस दौरान जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे उन्हें यामानाशी स्थित अपने होलीडे होम में निजी रात्रि भोज देंगे। पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री के साथ वार्षिक भारत जापान शिखर वार्ता में भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान भारत जापान के संबंधों को और मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। बीते कई सालों से दिवाली के मौके पर अपने कर्मचारियों को खास तोहफा देकर सुर्खियां बटोरने वाले सूरत के हीरा कारोबारी साबजी ढोलकिया ने इस साल 600 कर्मचारियों को तोहफे में कार और 900 कर्मचारियों को एफडी दी है। सूरत में साबजी ढोलकिया ने कर्मचारियों को उनका दिवाली गिफ्ट दिया है। खास बात यह है कि पहली बार 4 कर्मचारियों को यह तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आज दिल्ली में मिला। ढोलकिया के मुताबिक रॉयल्टी प्रोग्राम के तहत 150 कर्मचारी चुने गए थे, जिनमें से 600 ने कार और बाकी 900 ने बैंक में एफडी की मांग की थी। ढोलकिया ने अपनी कंपनी हरे कृष्णा एक्सपोर्टर्स के 600 कर्मचारियों को कार की चाबियां सौंपी। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर बयान देकर विवादों में आई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आलोचकों को अपने ही अंदाज में जवाब दिया। गुरुवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ईरानी ने एक तस्वीर साझा की, जिसमें उनका मुंह बंधा हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने फोटो के साथ कैप्शन दिया, हम बोलेगा तो लोग बोलेंगे कि बोलता है। सुप्रीम कोर्ट में कसौली गोलीकांड की सुनवाई 28 नवंबर को होगी। प्रदेश सरकार ने गुरुवार को जस्टिस मदन बी लोको, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ के सामने स्टेटस रिपोर्ट पेश की।
अदालत को अवगत कराया गया कि कसौली में 13 अवैध होटलों के अनाधिकृत निर्माण के लिए जिम्मेदार टीसीपी अधिकारियों को चार्जशीट किया जा रहा है। इनकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अलावा 13 होटलों के अनाधिकृत निर्माण को गिराने का काम भी पूरा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई अब 28 नवंबर को रखी है। हरियाणा में बीजेपी सरकार को 4 साल हो गए हैं। आज के दिन सीएम ने शपथ ग्रहण की थी। बीजेपी ने 4 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। इस दौरान सीएम ने जनता के बीच अपनी उपलब्धियां गिनाई। सीएम ने कई मंत्रियों के साथ पंचकुला में सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग द्वारा आयोजित 4 दिवसीय रत्नावली महोत्सव का आगाज हो गया है। प्रदेश भर के कलाकारों के स्वागत के लिए केयू प्रशासन ने यूनिवर्सिटी परिसर को बेहतरीन तरीके से सजाया है। हरियाणवी कला और संस्कृति के इस महाकुंभ में आज से प्रदेश भर के अलग अलग विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 3,500 से ज्यादा युवा कलाकार 31 विधाओं पर धमाल मचाएंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल सत्यदेव आर्य करेंगे। इनेलो नेता अभय चौटाला सोहना के दौरे पर हैं। सोहना पहुंचने पर अभय चौटाला का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान बीजेपी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी किसानों के साथ धोखा कर रही है। अभय चौटाला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा को अपने हिस्से का पानी देने का वादा किया था, लेकिन सरकार हरियाणा को उसके हिस्से का पानी नहीं दे रही। साथ ही अभय चौटाला ने कहा कि बीजेपी में अंदरखानी ही फूट चल रही है। गुरुवार को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने केएमपी एक्सप्रेसवे का सफर के दौरान जायजा लिया। सीएम ने मानेसर से सोनीपत के लिए केएमपी सड़क से सफर किया। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री राव नरवीर भी सीएम मनोहर लाल के साथ मौजूद रहे। इस दौरान सीएम बहादुरगढ़ से होकर गुजरने वाली सड़क पर खड़े भी हुए। 25 दिसंबर को केएमपी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए वन विभाग में ऑनलाइन स्थानांतरण नीति को शुरू किया है। इसके तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑनलाइन माध्यम से बटन दबाकर 409 वनगार्डों को स्थानांतरित किया है। वहीं इस कार्यक्रम में वन मंत्री राव नरवीर भी उपस्थित रहे। वन विभाग की ऑनलाइन स्थानांतरण नीति के अनुसार वर्तमान में विभाग में तैनात कुल 664 वनगार्डों में से ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से स्थानांतरण के लिए 409 वनगार्ड की पहचान की गई। पॉलिसी के मुताबिक जिन वनगार्डों ने वर्तमान पोस्टिंग में 3 से अधिक महीने पूरे किए हों या उससे ज़्यादा जिलों में 54 महीने पूरे कर चुका हो, उन्हें स्थानांतरण के लिए पात्र माना जाएगा। सभी वनगार्ड स्थानांतरण से संतुष्ट हैं। अम्बाला में SC ST एक्ट के विरोध में राजपूत नेता शेर सिंह राणा ने सरकार के फैसलों को गलत ठहराया। एक्ट में विरोध में रैली भी निकाली जाएगी जो कि 16 नवंबर से सहारनपुर से शुरू होगी। इस यात्रा का समापन 16 दिसंबर को गाजियाबाद में होगा। वहीं फिल्म पद्मावत के विरोध में बीजेपी से इस्तीफा देने वाले सूरजपाल अम्मू के दोबारा बीजेपी में आने पर शेर सिंह राणा ने कहा कि यह पब्लिसिटी स्टंट नहीं कैरेक्टर की समस्या है, वो इसे ठीक नहीं मानती। फतेहाबाद में 35 साल की महिला से 2 पटवारियों पर रेप का आरोप लगा है। जमीन का रिकॉर्ड दर्ज कराने के बहाने पटवारी ने महिला को अपने कार्यालय बुलाया, जहां महिला से सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता ने रेप की शिकायत महिला थाने में की, जहां पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महिला का आरोप है कि आरोपियों ने पहले भी उसके साथ दुष्कर्म किया था। हरियाणा में बढ़ते महिलाओं के प्रति अपराधों पर कविता जैन ने मीटू के बारे में बोलते हुए कहा कि मीटू से महिलाओं में जागरूकता आई है। मंत्री कविता जैन ने कहा कि काफी सालों पहले के मामलों पर महिलाएं अपनी आवाज उठा रही हैं, जिससे साबित होता है कि बीजेपी की सरकार में महिलाओं को अच्छा माहौल मिला है। फरीदाबाद में चौकी इंचार्ज ने एक युवक को जंपर में पत्थर चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इसकी सूचना माइनिंग अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद गाड़ी को सीज किया गया और आगे की कार्रवाई शुरू की गई।
सिरसा के गांव थिंतानिया के पास गाड़ी में सवार पिता ने अपने गोली मारकर अपने पुत्र को भी गोली मार दी और दोनों की मौत हो गई। सड़क पर गाड़ी देखकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो उन्होंने दोनों को गाड़ी में गोली लगा हुआ देखा और फिर पुलिस को सूचना दी। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस से बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया, उसके बाद बच्चे की भी मौत हो गई। फिलहाल घटना के पीछे की वजह क्या है अभी तक नहीं पता चल पाया। हरियाणा प्रदेश के फरीदाबाद जिले में 350 महादलित परिवारों ने धर्म परिवर्तन करने की चेतावनी दी है। इन परिवारों में हरियाणा सरकार के प्रति नाराजगी है। इनका कहना है कि जब सफाई कर्मचारी हड़ताल पर थे तो अपनी नौकरी को पक्का करने की मांग कर रहे थे तो सरकार ने उनकी मांगें मान ली थी, लेकिन हड़ताल के बाद सरकार ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। इंद्री के गांव न्यू हलवाना का प्राइमरी स्कूल पिछले 2 सालों से बंद पड़ा है। स्कूल बंद होने से बच्चों पर पढ़ाई का भी अभाव हो रहा है। दूसरी तरफ स्कूल के भवन पर ही कुछ लोगों ने कब्जा जमा लिया। गांव के लोगों ने स्कूल को फिर से शुरू करने की मांग की है, लेकिन प्रशासन इस मामले में कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि जल्दी ही अगर स्कूल को शुरू नहीं किया गया तो वो आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। लंका दहन के साथ 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का संपन्न हो गया है। देवताओं के महाकुंभ में हजारों लोगों के साथ सैकड़ों देवी देवताओं ने भी डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय लालचंद प्रार्थी कला केंद्र में दशहरा उत्सव का विधिवत समापन किया। हिमाचल के मंडी में जिला प्रशासन की तरफ से स्कूल स्वच्छता और सामुदायिक आंदोलन पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में राज्य सरकार सैनिटरी वेंडिंग मशीनें लगा रही है। स्कूल में कार्यरत महिला कर्मियों और छात्राओं को इसका फायदा मिलेगा। उत्तरांचल पंजाबी महासभा रुड़की महिला विंग की तरफ से करवा चौथ पर करवा चौथ महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सर्व समाज के लोगों ने बढ़कर हिस्सा लिया। हमीरपुर में राज्य स्तरीय हमीर उत्सव के बजट के लिए प्रशासन ने जबरन पैसे इकट्ठे करने का काम शुरू किया है। इसके तहत स्कूल कॉलेजों में फीस जमा करवाने वाले छात्रों को भी जबरन 10 से 20 रुपये की पर्ची थमाई जा रही है। कॉलेज के छात्रों ने बताया कि हमीर उत्सव के नाम पर मनमानी पर्ची काटी जा रही है, जिसका छात्र विरोध कर रहे हैं। छात्र संगठनों के पदाधिकारियों ने कॉलेज प्रशासन को चेताया कि अगर पर्चियां काटना बंद नहीं किया तो छात्र संगठन आंदोलन करें। सीएम जयराम ठाकुर ने मनाली में हेलीकॉप्टर जॉय राइड हेली टैक्सी सेवा की शुरुआत की। अभी यह सेवा रोहतांग के लिए शुरू की गई है, लेकिन सरकार की माने तो अन्य अनछुए पर्यटन स्थलों को भी इससे जोड़ा जाएगा। अब बर्फ का दीदार करने रोहतांग जाने वाले सैलानियों को घंटों जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। देश विदेश के सैलानी अब मनाली में प्रदेश सरकार की हेलीकॉप्टर जॉय राइड सेवा के जरिए बर्फीले पहाड़ों को नजदीक से निहार सकेंगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक टाउन हॉल को लेकर चल रहा विवाद जल्दी ही समाप्त होने वाला है। टाउन हॉल को लेकर अलग अलग सामाजिक संगठन, अलग अलग विभागों और नगर निगम के बीच चल रही खींचतान आज खत्म होने वाली है। दरअसल टाउन हॉल पर किसका हक होगा, नगर निगम या फिर सामाजिक संगठनों का, इस बात पर हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। गौरतलब है कि ADB फंड के तहत करीब 9 करोड़ से टाउन हॉल का जीर्णोद्धार किया गया था, जिसे पर्यटन विभाग ने तैयार किया है। इसे लेकर पर्यटन विभाग ने अलग अलग संगठनों की राय के लिए कार्यक्रम किया था, हालांकि इस कार्यक्रम में आम सहमति नहीं बन पाई। गंगा रक्षा के लिए स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के अभियान को आगे बढ़ाते हुए मातृसदन आश्रम के अनशन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। इस बार मातृसदन एक संत मातृसदन के धरने पर बैठ गए। मातृसदन के संतों का कहना है कि सानंद के बलिदान के बाद सरकार उनकी मांगों को भूल गई है, सानंद के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। गुरुवार को हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल कांग्रेस दफ्तर पहुंची। रजनी पाटिल ने यहां लोकसभा चुनाव क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। लोकसभा चुनाव के मंथन के दौरान रजनी पाटिल ने CBI का मुद्दा उठाया।
पाटिल ने कहा कि सीबीआई में जो कलह चल रहा है वो मोदी सरकार का असली चेहरा जनता के सामने ला रहा है। शुक्रवार को प्रदेश में सीबीआई कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने का भी फैसला लिया गया। नालागढ़ में जिला स्तरीय रेडक्रॉस मेले में प्रशासन और पुलिस की नाक के नीचे जुआ खेला जा रहा है। मेले में सरयाम एक किनारे टेंट के नीचे स्पिनर गैबलिंग चल रही थी। मेले में पुलिस गानों में मस्त दिखाई दी। काफी देर बाद जब इसकी जानकारी एसडीएम को दी गई, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों में हड़बड़ाहट मच गई। कुल्लू में रोजाना लोग दशहरा महोत्सव मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों की छुट्टियां होने की वजह से यहां व्यापारी वर्ग के लोगों के चेहरों पर भी मुस्कान आ रही है। पर्व में देश के कोने कोने से व्यापारी आए हुए थे। देव मिलन के इस अनूठे उत्सव में आस्था और देव संस्कृति के साथ पुरातन परंपरा को संजोए रखने में भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। शिमला ग्रामीण से युवा विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह जल्द विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। राजस्थान में उदयपुर की अमेठी रियासत की राजकुमारी सुदर्शना के साथ उनकी सगाई की रस्म पूरी हो गई। उदयपुर राजघराने में एक विशेष समारोह में सगाई की रस्म पूरी हुई। इस मौके पर परिवार के कुछ खास लोग भी मौजूद रहे, लेकिन उनके पिता वीरभद्र सिंह शिमला में ही थे। भारतीय मजदूर संघ ने हाड़ा चौक से विकासखंड कार्यालय तक रैली निकाली और वीडियो के खिलाफ नारेबाजी की। सरकार से वीडियो को बर्खास्त करने की मांग की। इसके साथ ही खंड ने कार्यालय पर धरना दिया। वही धरने को संबोधित करते हुए थॉमस नेता ने कहा कि वीडियो ने अपने कर्मचारियों से केरला फंड के नाम पर पैसे इकट्ठे किए और जब उनसे एक कर्मचारी ने रसीद मांगी तो उन्होंने उसे चार्जशीट करने के साथ धमकी के साथ ही कार्रवाई भी कर डाली। नूरपुर में भारतीय मजदूर संघ ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी मांग पर सरकार ने जिस वीडियो को सस्पेंड किया है उसका हम स्वागत करते हैं। साथ ही सरकार से मांग की है कि इस अधिकारी को जांच के चलते कांगड़ा जिले में स्थानांतरित कर किसी अन्य जिले में लगाया जाए ताकि वो जांच को प्रभावित न कर सके। दरअसल मामला केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाई गई धनराशि का है। लखनऊ के लोकभवन में आयोजित वैज्ञानिक सम्मान समारोह में प्रदेश के वैज्ञानिकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन को बदलने में विज्ञान की बहुत बड़ी भूमिका है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए विज्ञान ने बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने वैज्ञानिकों से ऐसी तकनीक विकसित करते रहने का आह्वान किया जिससे आम लोगों के जीवन में बदलाव आए। अलीगढ़ में एएमयू में छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन भरा गया, जिसको लेकर कैंपस में छात्रों के बीच खासी खुशी और उत्साह का माहौल बना हुआ है। सभी अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में कैंपेन कर रहे हैं। वहीं प्रत्याशियों की 1 नवंबर को फाइनल स्पीच होगी। फाइनल स्पीच के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा और 3 नवंबर को चुनाव होगा। चुनाव अधिकारी प्रोफेसर जहीरुद्दीन ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया की तैयारियां पूरी कर ली गई। यूपी के बलिया में पुलिस की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस का सिपाही सरयाम एक युवक को पीट रहा है। पीड़ित का आरोप है कि वो ट्रैक्टर पर दुर्गा मूर्ति विसर्जन के लिए अपने गांव से निकल रहा था। वहीं सिपाही ने दारू पीकर उधर से आया और ट्रक ड्राइवर को धक्का मार दिया। जब ड्राइवर ने सिपाही से पूछा कि आप गाड़ी देखकर क्यों नहीं चला रहे, इसी से नाराज होकर सिपाही ने ड्राइवर की पिटाई कर दी। साथ ही सिपाही ने ड्राइवर और गांव के लोगों पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। वहीं मुकदमा खुद पर दर्ज हो जाने पर पुलिस की डर से सिपाही फरार है। यूपी के ललितपुर में बजरंग दल और गौ सेवकों ने गौ तस्करों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। दरअसल तस्कर 1500 गायों को राजस्थान ले जा रहे थे और इसकी सूचना गौ सेवकों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लग गई। इसके बाद मौके पर पहुंचे कार्यकर्ताओं ने बंजारों को पकड़कर उनसे गायों को आजाद करवा दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। यूपी के मुरादाबाद में 6 बदमाशों ने रास्ते में सुनार से तमंचे के बल पर 50,000 रुपये लूट लिए। 2 तोले सोने के जेवरात भी लूट लिए और मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।